हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मेरी ये सनस्क्रीन की ट्यूब खाली हो गई थी, इसमें से बिल्कुल भी कुछ निकल नहीं रहा था, तो इसे कूड़े के डिब्बे में डालने से पहले मैंने सोचा कि क्यों ना इसका कुछ जुगाड़ किया जाए। तो फटाफट से मैंने अपनी तलवार निकाली और इसकी गर्दन को धड़ से अलग कर दिया। ये देखिए, इसके लोअर पार्ट में तो मुझे कुछ मिला नहीं, बट इसके अपर पार्ट में मुझे बहुत सारी सनस्क्रीन मिली जो कि निकल नहीं रही थी। मैं इसका वापस से यूज़ करूँगी, तब से इसको लॉक करके रख लेती हूँ। अब हमें जुगाड़ लगाना है इसके लोअर पार्ट का। तो वापस से मैंने अपनी तलवार निकाली और इसके साइड साइड पर दोनों बराबर से थोड़े थोड़े से कट लगाए। और उसके बाद मैंने दोनों कट को इस तरह से फोल्ड कर दिया और फोल्ड किए हुए पार्ट को वापस से कट कर दिया। ये एक इनवेलप जैसा इसका शेप हमें देना है, तो इसके दोनों एजेस को मैं थोड़ा से कर्व कर दे रही हूँ काट कर। अब ये देखिए, हमारा छोटा सा मिनी बैग बनकर रेडी हो गया है। बट हम इसे इसी तरह से लावारिस तो नहीं छोड़ सकते ना, तो चलिए इस पर कुछ कलाकारी करते हैं। इसके लिए मैंने उठाया अपना ब्रश और थोड़े से कलर्स। ये ट्यूब का सरफेस थोड़ा सा स्मूथ है, तो इस पर एक्रीलिक पेंट टिक नहीं रहा था, तो इसके लिए मुझे ज़रूरत है चॉक पेंट की, तो मेरे पास चॉक पेंट नहीं था, तो मैं उसी एक्रीलिक कलर में थोड़े से पाउडर को ऐड कर दी हूँ। कोई भी फेस पाउडर, टेलकम पाउडर आप यूज़ कर सकते हैं या फिर चॉक के भी पाउडर को यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने इसमें थोड़ा सा मिक्स करके चॉक पेंट बना दिया है। बट इस पर हम पहले जेसो अप्लाई करेंगे, मेरे पास जेसो भी नहीं है, तो मैं वाइट कलर को ही स्पॉन्ज की हेल्प से इस तरह से लगा लूँगी। जेसो लगाने से एक वाइट बेस बनकर रेडी हो जाता है, उसके ऊपर फिर आप जो भी पेंटिंग या जो भी कलाकारी करेंगे तो वो अच्छे से दिखता है। तो अभी हम फटाफट से इसके दोनों साइड पर जेसो अप्लाई कर दे रहे हैं, वाइट कलर को अप्लाई कर दे रहे हैं। जहाँ जहाँ कुछ लिखा हुआ था बस उसी पर मैंने लगा दिया, क्योंकि साइड साइड में ऑलरेडी वो येलो कलर बैकग्राउंड है इसका। ये बेस तो बन गया है, अब हम क्या करेंगे, वो जो मैंने चॉक पेंट बनाकर रखा था येलो कलर का, उसको भी मैं फटाफट से इसके ऊपर लगा रही हूँ। मैं ब्रश से नहीं पेंट कर रही, क्योंकि ब्रश मुझे उतना अच्छा लगता नहीं, ब्रश से करो तो ब्रश के जो टेक्सचर है वो उस पर आ जाते हैं, तो वो उतनी अच्छी फिनिशिंग नहीं देते हैं। तो मैं स्पॉन्ज से ही डैब डैब करके इसके दोनों फ्रंट और बैक साइड से येलो कलर कर रही हूँ। ये दोनों साइड मैंने येलो कलर से पूरी तरह से कवर कर दिया है, बट हम इसे इसी तरह भी नहीं छोड़ सकते हैं, तो चलिए थोड़ी सी इस पर भी कलाकारी कर लेते हैं। तो रैंडमली कुछ भी मैं इस पर ड्रॉ कर रही हूँ, मैं नेचर लवर हूँ तो इसलिए मैं इस पर एक ट्री बना दे रही हूँ। पेंटिंग तो मुझे उतनी अच्छी आती नहीं, फिर भी मैं थोड़ा ट्राई कर रही कि मैं बना सकूँ कुछ भी। तो सबसे पहले मैं नीचे ट्री का ब्रांच बना रही हूँ ब्लैक कलर से। ट्री बनाना मुझे बहुत इजी लगता है, कहीं से भी इधर से उधर से ब्रांचेस को निकाल दो, बस बहुत इजी है ये। बन तो गया है ये सूखा सूखा पेड़, तो चलिए इसमें थोड़ी सी लीफ ऐड करते हैं। तो लीफ ऐड करने के लिए मैं उसी स्पॉन्ज को ग्रीन कलर में डिप करके डैब डैब हल्का हल्का लगा दूंगी, तो ये थोड़ा रियलिस्टिक लुक देगा। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। इसको पेंट करने में मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था, क्योंकि ये बहुत ईजी है और ये बहुत ही अच्छा लग रहा है बनने के बाद। देखिए एकदम रियल ट्री बन गया, मुझे यकीन नहीं था कि मैं इतना अच्छा पेंट कर लूँगी। अभी हम इसके बैक साइड पे भी थोड़ी कलाकारी कर रहे हैं, तो हम उसके नीचे के
पार्ट पर थोड़े थोड़े से ग्रासेस बना रहे हैं। कलाकारी तो अभी फ़िलहाल हो चुकी है, बट इसमें मैं रखूं क्या? तो हमारे पास ये ईयरफोन यहाँ वहाँ पड़ा रहता है उलझा हुआ, तो मैं इसमें रख लेती। ओह, ये इसमें आई थिंक अट भी नहीं रहा है, ये थोड़ा छोटा बन गया, और बड़ा होता तो अच्छा रहता। बट कोई बात नहीं, मैं कुछ और रख लूँगी इस पर। हमें एक बटन की ज़रूरत है यहाँ पर लगाने के लिए, बट अभी हमारे पास नहीं है, तो हम ये डबल साइडेड टेप लगा कर इसको चिपका रहे हैं। बट ये इतना मोटा हो चुका है कि चिपक भी नहीं रहा है। इसको हम दूसरे तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें मैंने साइड में एक जंप रिंग को अटैच किया है। उसके बाद हमें चाहिए एक की चैन, और की चैन को भी हम इसमें जंप रिंग में लगाकर अटैच कर देंगे। तो ये हमारा क्यूट सा कॉइन बैग बनकर रेडी हो गया है, जो कि एक की चैन भी है। तो हम चलिए इसमें फटाफट से अपने कॉइन्स को डाल देते हैं। अब मैं इस की चैन को अपने बैग में लगाऊंगी। आप लोग बताइए कि मेरा ये छोटा सा जुगाड़ आपको कैसा लगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। बाय बाय।